हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, सरकारी सेवक कर्मचारी सरकार के ही अंग हैं और जब अंग सुचारू रूप से काम करते हैं, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो सम्यक और संतुलित होती है, तो सरकार की जड़ें पुख्ता होती हैं, सशक्त होती हैं। सरकार को बार बार आने का सुअवसर प्राप्त होता है, क्योंकि आनंदित दशा में, संतुष्टि की अवस्था में कोई भी अपने भगवान को नाराज करना उचित नहीं समझेगा। आखिरकार जो भी कार्मिक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो सरकार के ही अंग हैं। भारत सरकार के एक मेमोरेंडम जिसमें अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन का विवरण वांछित कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की मुहिम केंद्र से होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तक दोस्तों आई। एक पत्र निर्गत हुआ बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय, जो बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त कार्मिक हैं, वर्ष 2005 से पहले अगर विज्ञापन निकला हो तो उनका विवरण लेकर के उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का दोस्तों मामला रहा। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के तर्ज पे ऐसे कार्मिकों का विवरण उपलब्ध कर उनके साथ न्यायोचित तौर तरीके से दोस्तों पेश आना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे पत्र में खास तौर पे एक टिप्पणी ने एक बहुसंख्यक वर्ग को दोस्तों सरकार के प्रति असंतोष की भावना से भर दिया है, क्योंकि अप्रैल 2005 से पहले जो विज्ञापन था उसमें एक बड़ा वर्ग 46,189 प्राथमिक शिक्षकों का था और उन्हें सरकार ने इस मुहिम में शामिल करने से दोस्तों अपने पत्र में मना कर रखा है। अब एक अलग बात है कि शिक्षकों के जो प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी जी हैं, डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी हैं, उनके स्तर से सक्रियता बढ़ गई है, सरगर्मी तेज हो गई है। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी जी भी सक्रिय हो गए, सारे शिक्षक प्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं, सरकार से वार्ता का दौर दोस्तों शुरू है। और इस मुहिम में विशिष्ट बीटीसी विज्ञापन वर्ष 2004 के शिक्षकों को शामिल करने की कवायद तेज हो गई। अब देखना है कि सरकार अपने इस जो मुहिम है उसमें विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वर्ग को शामिल करती है या नहीं। आज का ये जो वीडियो है, खास तौर पे एक प्रबुद्ध स्तंभकार पत्रकार श्री तोमर जी के विचारों से हम आपको अवगत कराएंगे और बात करेंगे कि सरकार की ये जो मुहिम है, सरकार की ये जो कल्याणकारी सोच है, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार के इस तौर तरीके से दोस्तों असंतुष्ट रहेगा, नाराज भी हो सकता है, और ये किसी भी रूप में सरकार के लिए दोस्तों अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सरकार सभी को खुश कर देखना चाहती है और कर्मचारी भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों चलना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, भले ही प्रकृति उनकी बुनियादी है, लेकिन वो शिक्षक वर्ग ही बुद्धिजीवी वर्ग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, विचारशील वर्ग हैं, ग्रामीण और शहरी समाज में उनकी अच्छी पैठ होती है। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो ताना बाना है उसको गढ़ने में
उसको संरक्षित करने में, उसको संतुलित रखने में शिक्षकों का अहम भूमिका होती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार जो पत्र में बात निकली है वो क्या है। पत्र कहता है कि गहरी चाल पुरानी पेंशन मुद्दे को खत्म करने की साजिश है। और पत्र में आरपी तोमर जी कहते हैं कि सरकार चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरकार कर्मचारियों के दबाव में पर मनसा साफ नहीं। 38,000 से अधिक विशिष्ट बीटी शिक्षकों के साथ अन्याय। मामला ट्रेनिंग व नियुक्ति विज्ञापन में उलझाया गया। नादा दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा साबित हो सकती है नौकरशाही। नौकरशाही सरकार को दोस्तों खुश करना चाहती है, लेकिन ये खुशी वो सरकार को भले दे दे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका सरकार का दुश्मन बन जाएगा इस मुहिम से। दोस्तों तोमर जी कहते हैं कि देश भर के कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। दिल्ली में विरोधी रैलियों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं यह मुद्दा पार्टियों की हार जीत भी तय कर रहा है। कई राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग मान चुके हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन मुद्दा बन चुका है। श्री तोमर जी कहते हैं कि मैंने अपने पूर्व के कई लेखों में स्पष्ट भी कर दिया था कि यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के साथ यूपी के कर्मचारियों के विरोध को लेकर योगी सरकार चिंतित नजर आने लगी है। सरकार लोकसभा चुनाव में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसी दिशा में संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी, जिससे पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद जगाई गई है, लेकिन इसमें विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 में नियुक्त अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। वैसे 2005 तक नियुक्ति वालों को पुरानी पेंशन देने का ढोल पीटा जा रहा है। ऐसा करके नौकरशाही विभागवार आंकड़ों में मुद्दे को उलझा रही है। इस संदर्भ में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी एवं प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष कन्नौजिया ने शिक्षा निदेशक को एक पत्र गत 1 नवंबर को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 46,189 सहायक शिक्षकों के पदों पर भरने हेतु 4 जनवरी 2004 संशोधित 20 फरवरी 2004 को जारी शासनादेश के क्रम में 22 फरवरी 2004 को अंतिम विज्ञापन प्रकाशित कराया था। शासन के आदेश के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ से सहायक अध्यापक पद पर स्थापना तिथि तक ₹2,500 प्रतिमाह मानदेय दे था। उक्त शासनादेश विज्ञापन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारण, 6 माह का प्रशिक्षण भी अगस्त 2004 में ही शुरू हो गया था। विभागीय देरी के कारण तैनाती 2005 या जनवरी 2006 में मिली। वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति का कोई नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। 22 जनवरी 2004 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लगभग 40,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। विद्यालयों में तैनाती 2004 में जारी मेरिट सूची के आधार पर ही कर दी गई। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश द्वारा 31 अक्टूबर 2005 को जारी पत्र के माध्यम से प्रस्तर 11 द्वारा स्वीकार भी किया गया कि विज्ञापन प्रक्रिया 2004 में हो चुकी है। 1 अप्रैल 2005 से बाजार आधारित नई पेंशन योजना प्रभावी की गई। सर्वोच्च न्यायालय में संगठन द्वारा योजित SLP 295/80/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी उल्लिखित है कि यदि याची सरकार को पुनः प्रत्यावेदन देते हैं और याचियों के प्रत्यावेदन पर सरकार कोई निर्णय लेती है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय बाधा नहीं बनेगा। उक्त निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को संगठन द्वारा दिया गया प्रतिवेदन विचाराधीन है। पत्र में अनुरोध किया गया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षकों व शिक्षिकाओं को भी उपरोक्त प्रक्रिया में सम्मिलित कर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
उधर उसी तरह का एक पत्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाना न्यायपूर्वक नहीं है। उसमें यह भी कहा गया है कि जब चयनित अभ्यर्थियों की ₹2,500 मानदेय भी दिया गया तो उनकी नियुक्ति पूर्व में हो चुकी है, यह अस्पष्ट हो जाता है। उनका कहना है कि इन शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, जिस तरह से विज्ञापन को बीच में लाकर प्रदेश के 40,000 सहायक अध्यापकों को किनारे किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से विज्ञापन जारी करके कहने का आशय यह है कि 40,000 शिक्षकों को दूर किया जा रहा है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना से दूर किया जा रहा है। उससे इस मामले में सोची समझी साजिश नज़र आती है, क्योंकि इन 40,000 शिक्षकों को इससे अलग करके केवल 800 कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा। उस स्थिति में सरकार उंगली कटाकर शहीद बन जाएगी, अर्थात हल्दी लगेगी न फिटकरी और रंग भी अच्छा आएगा। सरकार सीना ठोक कर कहेगी कि वह पात्रों को पुरानी पेंशन दे रही है, जब सरकार खुद विज्ञापन में कह चुकी है कि ट्रेनिंग में निकाला गया विज्ञापन ही मान्य है, अलग से विज्ञापन निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोहरा मापदंड अपनाना गहरी साजिश की ओर ही संकेत करता है। मन की आवाज़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2013 में पुरानी पेंशन का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए नौकरशाही 40,000 सहायक अध्यापकों के साथ अन्याय करने पर तुली है। साथ ही भाजपा सरकार का नुकसान भी कर रही, कहा जाता है कि नादा दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर तरीके से एक पत्र ने खास तौर पे जो शिक्षक हैं, बुनियादी शिक्षा में काम कर रहे जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनको परेशान भी कर दिया है। उस पत्र में ये बात कही गई है कि विशिष्ट बीटीसी के जो शिक्षक हैं उनको इस प्रक्रिया में शामिल न किया जाए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक असंतोष बढ़ेगा और वो किसी भी रूप में न सरकार के लिए न कर्मचारियों के लिए हितकर है। अच्छा ही हो कि एक बीच का रास्ता दोस्तों निकाला जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।